हेलो ग्रीनर्स, पोटुलाकारा आफ्रा एलिफेंट बुश या ग्रीन जेड के नाम से जो प्रसिद्ध प्लांट है उसको लकी प्लांट भी बोला जाता है। ये मेरा 8 से 10 साल पुराना प्लांट है, क्योंकि 5 साल पहले जब मैंने इसको ख़रीदा था तभी इसका ट्रंक जो था बहुत मोटा था और सेलर ने बोला था कि ये लगभग 2.5 से 3 साल पुराना है। तो आज अब तक जो है ये डिप पोट में लगा था, आज मैं इसको बॉन्साई में शिफ्ट कर रही हूँ। पर आप बिगिनर है, आपका प्लांट मेच्योर नहीं है, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप जो है मानसून में इसकी रिपोर्टिंग या कटिंग प्रूनिंग ना करें। और ये जो है एक फैमिली से बिलोंग करता है, पर ये बहुत ही हार्डी वैरायटी का प्लांट है, पर ज़्यादातर बिगिनर्स को इसमें बहुत दिक्कत आती है। आप देख सकते हैं कि इसके रूट्स बहुत ही डेवलप है, तो आप रूट्स ओवर रॉक बॉन्साई का जो प्रकार आता है उस प्रकार की बॉन्साई भी इसकी बना सकते हैं। हालांकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तो अभी जो है इसको बॉन्साई में अच्छी तरह से लगाना है मुझे, तो नीचे की जितनी भी पत्तियां हैं वो निकाल दूंगी। थोड़ा बहुत जो है मैंने इसको देखिए पहले से ही वायरिंग कर रखी है, इसमें थोड़ा सा फंगस भी लगा है क्योंकि ये मेरा फुल रेन में अभी पड़ा है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। मैं जो है इसकी एक्स्ट्रा रूट्स काट रही हूँ क्योंकि मुझे रूट्स ओवर रॉक बॉन्साई नहीं बनानी है, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। फंजीसाइड जो है उसका बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करिएगा। और वायरिंग जो है मैंने एक या दो बार पहले भी करी थी, तो अभी जो है इसको थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ और बाद में फिर आपको अच्छे से बताती हूँ। तब तक जो है हम सॉइल मिक्सचर कैसे तैयार करना है वो देख लेते हैं। ये जो है मेरी कंप्लीट डिकम्पोज खाद नहीं है, हाफ डिकम्पोज है, और इसमें कंकर पत्थर ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो मैं एक हिस्सा जो है सिर्फ सैंड इसमें ऐड करूँगी। सैंड जो है वो थोड़ी अभी गीली हो गई है, पर खाद जो है मेरी ढकी हुई होती है तो वो ड्राई है। और फंजीसाइड ऐड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, समर में भी फुल सन में चलने वाला ये प्लांट है। मॉनसून में अगर प्लांट छोटा है तो इसको ओवर वाटरिंग से आप बचाइएगा, अदरवाइज यू मे लॉस द प्लांट। देखिए फ्रेंड्स, अभी जो है इसको मुझे थोड़ा सीधा करना है, और अगर नहीं हो रहा है तो आप लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करना है ये आपको जो है मैं नेक्स्ट अपनी बॉन्साई में दिखाती हूँ। अभी मुझे इसको थोड़ा सा पैड बनाना है, पैड का मतलब होता है नीचे कोई पत्तियाँ नहीं होती है, और ये जो है थोड़ा टेढ़ा हो गया है, और टाइम टू टाइम जो है इसका वायर जो है वो थोड़ा हल्का करना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है, मतलब प्लेस चेंज करना पड़ता है। अगर वायर जो है वो इसकी स्टेम के साथ चिपक गया तो वहाँ पर जो है आपको मार्क्स दिखेंगे इसकी वायरिंग के, और फिर वो निकलने में बहुत टाइम लग जाएगा, वो घाव जैसा हो जाएगा, जल्दी से भरेगा नहीं, इसकी जो है मार्क पड़ जाते हैं ब्रांचेस पे। तो बहुत लॉन्ग टाइम तक आप वायरिंग जो है ना रखें। अगर आपके प्लांट ने शेप ले ली है थोड़ी बहुत तो फिर वायरिंग निकाल ले, या फिर जो है लूज़ करके फिर से दूसरी जगह पर अच्छे से जो है इसको फिक्स कीजिए। मैंने जो है एक छोटा सा बॉन्साई का मिट्टी का जो है वो पोट लिया है, अभी इसकी रूट्स में के आसपास अच्छे से मिट्टी मिला देनी है। और अगर प्लांट आपका जो है वो स्टैंड नहीं कर रहा है तो आप जो है उसको पत्थर उसके पास थोड़े दिन के लिए रख दीजिए, या फिर जो है दोनों तरफ से बांध भी सकते हैं, पर ये मेरा रह गया है। अभी जो एक्स्ट्रा लीफ आपको ऊपर दिख रही है उसको कट कर देनी है, पर जैसे कि मैंने बताया आप बिगिनर है तो मॉनसून में ये काम ना करें। मैंने जो है इसको थोड़ा पीछे लगाया है ताकि आगे जो है थोड़ा डेकोरेशन कर सके, ट्रे गार्डन जैसा बना सके। ये देखिए ये मेरी दूसरी बॉन्साई है। जब भी कटिंग प्रूनिंग करती हूँ तो कटिंग सेम पोट में लगा देती हूँ, और देखिए प्लांट जब थोड़ा डेवलप हो जाता है तो उसको शेप देने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो ये भी जो है टाइम की वजह से मैं कटिंग प्रूनिंग या वायरिंग टाइम टू टाइम नहीं कर पाई, तो ये सीधा खड़ा नहीं हो रहा था, तो मैंने जो है इसको पीछे एक लकड़ी रख दी है और इसको लकड़ी से जो है बांध दिया है। वायरिंग मैंने काफ़ी टाइम पहले भी की थी तो इसको सीधा करने के लिए ये करना पड़ा। और अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको ऊपर जो है पैड डेवलप करना चाहती हूँ, तो पैड डेवलप करने के लिए, पैड का मतलब होता है ऊपर फ्लैट रहेगा, अभी ये गोले के शेप में है, तो पैड बनाना है तो नीचे से आपको जितनी भी पत्तियाँ निकलती है उसको प्रून करते जाना है, निकालते जाना है। जैसे जैसे आप नीचे की पत्तियाँ निकालते जाएंगे ऊपर फ्लैट हिस्सा पैड जैसा बनता जाएगा, जिसे पैड ऑन जेड कहा जाता है, और ये भी एक बॉन्साई का ही पार्ट है, जेड बॉन्साई का पार्ट है। हालांकि मैं कोई बॉन्साई की एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर अभी सीख रही हूँ। देखिए अभी ये एकदम राउंड शेप में है, धीरे धीरे ये डेवलप हो जाएगा, पैड भी डेवलप हो जाएंगे। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।